फादर के जोश जी, आपको हैप्पी क्रिसमस कहते हुए आप इस चर्च के फादर हैं। आप इस चर्च का नाम बताइए और बताइए भाई, आज ये क्रिसमस का जैसे मेला लगा हुआ है, कैसे मना रहे हैं? तो क्रिसमस तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है जी। तो राजपुरा निवासी सभी यहाँ आते हैं जी, और उनकी उनका विचार है, उनका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए हर धर्म के लोग आज इतनी बड़ी भारी संख्या में आते हैं जी, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले हमारे बीच में आए जी, और प्रभु का पिता ईश्वर का संदेश लेके आया कि पिता ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं जी। संत योहन 3:16 में जी, पिता ईश्वर इस दुनिया को इतना प्यार किया जी, अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें जी, और मुक्ति प्राप्त करें जी। तो ये प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए आए हैं जी, सारे के लिए, सारी दुनिया के लिए आए हैं जी। प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसका प्यार, उसका आनंद सभी को मिले जी। तो यही ईसाई धर्म का मकसद है कि सभी प्रभु यीशु मसीह जो प्यार लाया है पिता ईश्वर का जी, शांति लाए हैं, उसी को प्राप्त करें और खुदा को अनुभव करें, बहुत नजदीक से अनुभव करें और खुदा से अपने सभी परेशानियों के लिए समाधान पाए। हाँ फादर जी, आप ये बताइए भी आपके इस चर्च का नाम क्या है? इस चर्च का नाम है सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस जो है ये शिष्यों में से प्रभु के 12 शिष्यों में एक थे जी। तो वो संत थॉमस भारत में आए, कैथोलिक के साथ ये बिलोंग है। अच्छा जी, ये कैथोलिक चर्च है। कैथोलिक चर्च है। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको मिलकर, और हमारे सुनने और देखने वाले सभी ही बहुत ही खुश होंगे आपके ये विचार सुनकर। और ये यहाँ पर जो चर्च में मेला लगा हुआ है, बहुत ही इसको भी देखकर बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस सभी को, प्रभु की आशीष मिले।